नमस्कार दोस्तों, सर्दी का मौसम हो रहा है और दिसंबर का महीना चल रहा है और खूब जो है ठंड पड़ रही है, अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है, खूब धुंध हो रही है और अंदर बैठे बैठे हम सिकुड़ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, नाक की। ये हमारी नाक जो है बार बार बंद हो जाती है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों नाक बंद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब नाक जरूरत से ज़्यादा बंद हो जाती है और खुलने का नाम नहीं लेती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, तब यूं लगता है कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे जो है हमें हमारी नाक जो है फौरन खुल जाए और हमें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। रात को नींद एकदम से खुल जाती है, किस लिए हमारी नाक जो है बंद हो रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए बार बार डॉक्टर पे तो जाया नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए जो हम घर बैठे बैठे अपनी नाक को खोलने में हमारी जो है हेल्प कर सकें। तो यही उपाय दोस्तों आज मैं आपके सामने बता रही हूँ और आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। मेरी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ये वीडियो बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि सर्दियों में नाक बंद होना स्वाभाविक है और नाक कोई एज देखकर बंद नहीं होती है, वो बच्चों के लिए भी बंद हो सकती है, बुजुर्गों के लिए भी और यंगस्टर के लिए भी। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही इजी हैं और घरेलू उपाय हैं, आप इजीली घर बैठे बैठे अपनी नाक का इलाज कर सकते हो और खुल के सांस ले सकते हो। तो सबसे पहला उपाय होता है भाप लेना। दोस्तों आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से जो है हम गर्म पानी पी रहे हैं, भाप ले रहे हैं, लेकिन ये सिंपल भाप नहीं है। जब हम भाप लेंगे या तो हम स्टीमर का यूज़ करेंगे या पतीले में गर्म पानी कर लेंगे, खौलता पानी। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो कोई खुशबूदार तेल की दो चार बूंदे डाल लेंगे या फिर विक्स का जो कैप्सूल आता है उसको काट कर उसके अंदर डाल देंगे और अपने सिर को टॉवल से ढक के अच्छे से जो है भाप लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारी नाक जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी और हम इजीली सांस ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यूकलिप्टिस ऑयल होता है, नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल ऐसा होता है कि नाक में डालते ही फौरन जो है वो नाक को खोल देता है। तो नीलगिरी का तेल हल्का सा कटोरी में कोसा कर लो और उसके बाद ड्रॉपर की मदद से सिर को ऐसे पीछे की तरफ, आप बेड पे लेट जाओ और ड्रॉपर की मदद से एक एक या दो दो बूंद जो है तेल जो है अगर हम नाक में डालते हैं तो हमारी नाक जो फौरन खुल जाती है। नीलगिरी का तेल किसी भी पंसारी से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों नारियल का तेल भी ऐसी चीज़ है जो हमारे नाक को खोलने में हेल्प करता है, लेकिन नाक नाक में इसको क्या है, हम फिंगर के ऊपर गरम नारियल का तेल लगाएंगे और ऐसे सांस लेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारी नाक जो है वो खुली रहेगी। लेकिन इस उपाय को डेली करना है, क्योंकि एकदम से नारियल का तेल डालने से नाक नहीं खुलती है, लेकिन अगर हम रोज रात को सोने से पहले गरम नारियल के तेल में ऐसे फिंगर को डिप करके सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारी नाक जो है वो खुल जाती है, खुली रहती है। इसके अलावा नारियल का तेल अगर ना हो तो सरसों का तेल भी हल्का सा कोसा करके जो है हमने उसके अंदर सेम वही प्रोसेस करना है, फिंगर को डिप करना है गरम तेल में और ऊपर की तरफ जो है हमने ऐसे सांस लेनी है तो हमारी नाक खुल जाएगी। ऐसे ही देसी घी से भी ये चीज़ कर सकते हैं। देसी घी हो, नीलगिरी का तेल हो, सरसों का तेल हो और नारियल का तेल हो, ये चारों तेल ऐसे हैं जो हमारी नाक के खुश्की को भी दूर करते हैं और नाक के अंदर जो ये जो हमारी चीज़ फूल जाती है जिसकी वजह से हमारी सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़े बुजुर्गों के लिए भी। आप 50 ग्राम अजवाइन ले लो और उसको तवे पर सेक लो। उसके बाद हमने कॉटन का छोटा सा हैंकी लेना है, उसके अंदर पोटली की तरह उस अजवाइन को, गरम गरम अजवाइन को पोटली में बांध लो और उसके बाद हमने उसकी ऐसे खुशबू लेनी है, खुशबू लेनी है। इसके अलावा हमने दोनों साइड नोज के ऐसे जो है सेका करना है, यहाँ भी ऐसे सेका करना है, छाती पर भी सेका करना है। तो इससे क्या है कि हमारी नाक जो है फौरन खुल जाती है और जो भारीपन होता है नाक बंद होने की वजह से, जो हमारे सिर में दर्द होता है, ये सब दर्द ठीक हो जाता है। इसी रात को सोने से पहले जिस बच्चे की या जिस बुजुर्ग की नाक बंद हो, छाती रुकी हुई हो या गला खराब हो, खांसी हो रही हो, तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है।
मतलब इस उपाय की तो 100% गारंटी है कि आपकी नाक भी खुल जाएगी और जो आपके मसल्स जैसे ज्यादा स्टिफ हो रहे होते हैं या सिर में दर्द हो रहा होता है, आईज में भी पेन हो रहा होता है, गले में भी दर्द हो रहा होता है, ये हिस्सा भी दर्द कर रहा होता है, तो इस उपाय से 100% शर्तिया जो है हमारी बॉडी को या फेस को रिलीफ मिलता है, दिमाग को रिलीफ मिलता है। ये अजमाई हुई ट्रिक है और ये किसी डॉक्टर के पास ये ट्रिक नहीं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनको खाने पीने का शौक है और उनकी नाक बंद हो गया, तो उनके लिए भी ये एक बहुत मैं आपको उपयोगी टिप्स बताती हूँ कि आप खूब जो है मसालेदार खाना खाया करो, गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे का पानी पियो, उससे भी आपकी बंद नाक जो है खुल जाएगी और गला जो है वो भी खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सूप पीने के शौकीन हो तो बहुत अच्छी बात है, गरम गरम सूप में अगर हम लहसुन की कलियां भी डाल देते हैं, जब हम सूप बनाते हैं तो सब्जियों के साथ अगर हम लहसुन भी डाल देते हैं तो भी हमारी जो नाक है वो भी खुल जाती है और हमारे गले को भी बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हमें रूटीन में और क्या शामिल करना है, कोसे पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर अगर हम रोज पीते हैं तो हम सर्दी से भी बचे रह सकते हैं और हमारी नाक भी जो है वो खुली रहेगी। और सुबह उठते ही हर एक के घर में तुलसी का पौधा होता है, सुबह उठते ही ये नियम बना लें कि जब हम सुबह उठते ही पहली वॉक करते हैं, 5-7 चक्कर अपने घर में लगाते हैं, तो 5-7 तुलसी के पत्ते जो है डेली अगर हम उसका सेवन करें तो उससे भी हम सर्दी जुकाम से भी बच सकते हैं और नाक भी हमारी बंद होने से बच सकती है। लौंग, लौंग, अदरक, तुलसी, इन सब, काली मिर्च, इन सबको अगर हम चाय में मिलाकर अगर हम उस चाय का सेवन करते हैं, थोड़ी सी दूध जो है कम डालो तो भी हमारी नाक जो है बंद नहीं होगी और दूसरी भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कितने सारे उपाय बताए हैं जो मतलब रूटीन में अगर हम इसको अपनाएं तो सर्दी से भी बच सकते हैं, बंद नाक की समस्या भी दूर हो सकती है, सिर दर्द से भी बच सकते हैं और जो हमारे फेस के ऊपर जो पेन होता है कफ की वजह से उससे भी हमें रिलीफ मिलती है। ये तो दोस्तों है एक नॉर्मल जैसे हम आपको उपाय बताते हैं, लेकिन एज ए ब्यूटिशियन आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, एज ए ब्यूटिशियन भी क्या मैं ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिससे हमारी बंद नाक खुल जाए? बिल्कुल बता सकती हूँ और वो मेरे ब्यूटी पार्लर में मौजूद है। वो क्या चीज़ है मैं आपके सामने बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्लीच, किसी भी ब्रांड की ब्लीच ले लो, उस ब्लीच के अंदर एक ब्लीच क्रीम होती है और एक ये एक्टिवेटर होता है। दोस्तों ये एक्टिवेटर इतना मतलब कामयाब है बंद नाक को खोलने का। आपने इस एक्टिवेटर को खोलना है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ये पाउडर आपको नजर आएगा, ये देखो ये काफी पाउडर है। अगर हम इस पाउडर को ऐसे थोड़ा सा हथेली में लेके सूंघ लेते हैं तो एकदम से हमारी बंद नाक जो है वो खुल जाएगी। तो ऐसे ही नहीं कहते कि जो ब्यूटिशियन होती है वो भी एक डॉक्टर की तरह होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको नॉर्मल जो उपाय शेयर किए हैं, इसके अलावा एज ए ब्यूटिशियन भी मैंने जो आपको टिप्स दिया है बहुत ही कामयाब है और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं सूंघना, हथेली के ऊपर आधे चम्मच जितना लेके ऐसे लंबी सांस ऊपर की तरफ खींचनी है तो आपकी नाक फौरन खुल जाएगी। आप दिन में 2 बार 3 बार इसको उपाय को करके देखिए, जब भी आपको लगे कि आपकी नाक बंद है आप इस उपाय को कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे कमेंट लिखिए कि आपको ये उपाय करने से कितना फायदा हुआ। जो दूसरे उपाय बताए हैं वो तो हैं ही है कामयाब, लेकिन जो ये उपाय है इसको भी मैं 100/100 नंबर देती हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके मुझे बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि नाक तो सभी की बंद हो जाती है। और मेरी नई वीडियो का आप वेट करो और मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, मेरी हर वीडियो जो है किसी ना किसी रूप में आपके लिए यूजफुल रहेगी। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे व्यूज़ को भी बढ़ाएं और मेरे चैनल को आपने आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।